मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही प्रदेश सरकार किसानों एवं पशुपालकों के लिए नई नई योजनाएं लाकर उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। ग्राम पंचायत धलोट में पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित किसान जागरूकता शिविर में बतौर मुख्य अतिथि एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ पशुपालकों और किसानों को घर द्वार पर उपलब्ध हो, इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी कार्य करना सुनिश्चित करें। सरकार द्वारा मुर्गी पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन के साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि हमीरपुर जिले के ताल में 3.25 करोड़ रुपए की लागत से तरल नाइट्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर हमारे अधिकारी डॉक्टर सचिन शर्मा विशेष तौर पर यहाँ पशु चिकित्सालय में उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ हमारे लोकल ये फार्मासिस्ट पंकज जी है, ये समय समय पर सबको अपनी जानकारियां जो जो भी दवाइयों की कमी अगर किसी को होती है उपलब्ध करवाते रहते हैं। इसके लिए भी मैं इन अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं और आज इस विशेष शिविर में आपने मुझे बुलाया और यहां पर स्वागत अभिनंदन किया, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम। जिससे पशुओं के कृत्रिम गर्भधारण की सुविधा को सुचारू बनाया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित पशुपालकों को दवाइयां व अन्य जरूरी किटें भी वितरित की गई। पीएलटीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।